वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज 15th of June 2022 है। आशा करता हूँ आप लोग फिर नए सिरे से मार्केट को फेस करने के लिए तैयार है। आज का स्पेशलिटी है कि रात को FOMC मीट है, जहाँ पे फेड आर एक्सपेक्टेड टू रेज रेट्स मोस्ट प्रोबेबली बाय 0.75%। लेकिन ये 0.75 की जगह पे अगर 0.50 हो जाता है तो मार्केट पूरा का पूरा मींस शॉर्ट सेलर से भरा भर जाएगा। सो दैट बीइंग द केस, इट्स अ क्रूशियल इवेंट जहां पे आइदर द कंटिन्यूएशन और ए स्ट्रॉन्ग रिवर्सल्स में टेक प्लेस आफ्टर वंस द डिसीजन इज ओवर। डॉलर इंडेक्स बहुत ही मजबूत स्थिति पे है, अभी है 105.20। कल एक अच्छा सा पोजीशंस एंड हाई मींस ये रिसेंट हाई के ऊपर क्लोज दिया है, एंड आज के दिन में भी मींस थोड़ा बहुत पोजीशनिंग हो जाएगा बिफोर द फेड रेट डिसीजंस, एंड उसके बाद ही एक ट्रेंडेड कंटिन्यूएशन और रिवर्सल्स के लिए हम सोच सकते हैं। डॉलर रुपी का देखेंगे, डॉलर रुपी कल भी एक नैरो रेंज के अंदर में ही ट्रेड हुआ है, एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 78.10 एंड 77.96। तो अभी ये रुपी भी बेसिकली फेड रेट डिसीजंस के लिए इंतजार कर रहा है। हमें देखना है कि ये नीचे आके दोबारा इस रेंज के अंदर में आ जाता है या ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता है। अगर नीचे की तरफ आ जाता है, देन विल बी दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी कंसीडर्ड एज अ फॉल्स ब्रेकआउट, एंड इन सच अ सिनेरियो मार्केट विल वेरी फर्स्ट मूव टुवर्ड्स द लोअर एंड ऑफ द दिस पर्टिकुलर रेंज, दैट इज 77.40। तो हमें देखना है आज का फेड रेट डिसीजंस एंड कल मॉर्निंग में प्राइस एक्शंस कैसे बिहेव करता है। अगर हम GBP देखेंगे, कल बहुत ही सेल ऑफ हुआ है, एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 1.2208 एंड 1.1933, ऑलमोस्ट 270 पॉइंट्स के आसपास सेल रेंज था, एंड क्लोज्ड एट आपका 1.1996 पे। मेनली रीजन यही है कि ब्रिटिश government, UK government is planning to scrap the Northern Ireland policy protocol, basically the Northern Ireland protocol, जो अगर वो execute होता है तो European Union and UK के बीच में एक फिर नया सिरे से means monetary indecisions बढ़ जाएगा, and that is the main reason कि GBP dollar काफी sell off हो चुका है। Euro dollar देखेंगे तो इसमें consolidate करके ऊपर की तरफ आया था, लेकिन ऊपर का high को retain कर नहीं पाया। It traded in between 1.0396 and 1.0885। ये 1.0885 की तरफ आने के बाद buyers could not retain the fold। तो अभी हमें और भी देखना है, बेसिकली अभी हमें कुछ नहीं करना है, फेड रेट के लिए इंतजार करना है, उसके बाद देखना है प्राइस एक्शंस को। डॉलर येन भी बहुत मजबूती से खड़ा है, 135.14 पे है। कल एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखा गया है। बेसिकली यहाँ पे अभी सेलिंग के लिए कोई इंडिकेशंस प्राइस एक्शंस दिख ही नहीं रहा है। बाय डिप्स इज द मींस probable opportunity here till ये जो trend line एक है, trend line के वो नीचे break दे दे। अगर हम GBP INR देखेंगे, GBP INR में कल हमने अच्छा खासा एक sell off देखा गया, and ये जो swing low था उसको कल convincingly break दे दिया है। अभी हमें basically price actions थोड़ा सा सेल ऑप्टिक्स के लिए देखना है इंट्राडे पर्पस में, बट ओवरनाइट में कुछ पोजीशंस कैरी नहीं करना है बिकॉज ऑफ द फेड रेट डिसीजंस, अंटिल अनलेस यू आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग व्यू ऑन अपसाइड और डाउनसाइड।
अगर हम यूरो आइनर देखेंगे, यूरो आइनर में भी एक इंडिसेशन था, तो यहाँ पे हमें इसके लो के नीचे थोड़ा सेल ऑफ इंट्राडे में कर सकते हैं, यानी 14 जून के लो के नीचे सेल ऑफ कंटिन्यू कर सकते हैं, एंड बाय के लिए अभी थोड़ा सा इंतजार करना है। अगर ये एन आई एन आर देखेंगे, ये एन आई एन आर का एक अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ था, एंड ये जो लो था उस लो को तोड़ दिया था। तो अभी इंट्राडे पर्पस में सेल ऑप्टिक्स हम देख सकते हैं, बट ओवरनाइट में कैरी ओपन पोजीशन कैरी करना उचित नहीं रहेगा। डॉलर कैंडी में जो हमारा इमीडिएट ये वाला लेवल था 1.2950, वहां पे आके टच करके अभी पॉज ले रहा है। अभी मेक और ब्रेक है आपका 130.50 एंड आपका 130.80, ये पर्टिकुलर जोन। इसके ऊपर अगर कन्विंसिंगली क्लोज दे देता है तो आपका ये और भी ऊपर की तरफ जाने का प्रोबेबिलिटी हो सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ ये पार्टिकुलर लेवल पे प्राइस कैसे बिहेव करता है हमें देखना है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कल भी एक अच्छा खासा सेल ऑफ दिया है, एंड यहाँ पे एक जो स्विंग लो है उसके नजदीक आके लो टच करके लो बना के गया है। दे आर क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ डबल बटन, लेकिन अभी डबल बटन का कंफर्मेशन हुआ नहीं है, हमें प्राइस एक्शंस के लिए और कंफर्मेशंस चाहिए। अगर हम सीएनएच को देखेंगे, सीएनएच में ये पर्टिकुलर लेवल में कल रेजिस्टेंस लिया है एंड नीचे की तरफ सेल अप देखा गया है, तो इसमें ये जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे अगर क्लोज दे देता है थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्टनेस हम देख सकते हैं, लेकिन इसके हाई के ऊपर फर्दर कंटिन्यूशन हमें एक्सपेक्टेड है। अगर यूके ऑयल देखेंगे, यूके ऑयल में कल अपर लेवल पे से सेल ऑफ दिखा गया है एंड 125.14 एंड 118.96 के बीच में ट्रेड किया है। एंड बेसिकली आप अगर प्राइस एक्शंस को देखोगे, ये जो कल का और परसों का लो था इसके नीचे अगर आज क्लोज दे देता है, आई रिपीट, 13 जून एंड 14 जून के लो के नीचे अगर क्लोज दे देता है आज के दिन में, देन वी मे सेल अपटिक इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। एंड अगर इस रेंज के अंदर में रहेगा तो वील जस्ट वेट एंड वॉच। अगर हम यूएस 10 ईयर ट्रेजरी देखेंगे, बुम बुम बुम, कल ये 3.497 पे हाई टच करके गया है एंड अभी है 3.42। मार्केट आपका फेड रेट डिसीजन के लिए इंतजार कर रहा है। अगर 0.75% हाइक करता है मार्केट एक्सपेक्टेशंस, उसी का ये तेजी हमें दिख रहा है, लेकिन हमें इंतजार करना पड़ेगा फेड रेट डिसीजन के लिए। तो इंट्राडे पर्पस में आप जो भी ट्रेड करेंगे ओवरनाइट में, अंटिल अनलेस यू आर नॉट कन्विंस्ड 100%, तो ओपन पोजीशंस को मत रखा कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही। विश यू ए वेरी गुड डे टू ईच एंड एवरी वन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऑल्सो लाइकिंग, शेयरिंग एंड कॉमेंटिंग ऑन माई वीडियोज। हैव ए गुड डे।